चलिए बात करते हैं एमबीए सीईटी वीआरसी सेक्शन की। सिलेबस क्या है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट। अभी वीआरसी है, देन विजुअल रीजनिंग का भी वीडियो आ जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करके रख दो, सो दैट आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, सो दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग एमबीए सीईटी 2023। एंड लेट मी स्क्रोल डाउन। तो पहले तो ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दी है, इसको बुक मार्क कर लेना। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी है एंड इन जनरल कितना मार्क्स के लिए आता है वो भी इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, सो आरसी पैसेजेस यू नो इट है ना, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जम्बल्स, सिनोनिम एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, यूज ऑफ आर्टिकल, स्पॉटिंग द एरर, पैराग्राफ कंप्लीशन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स है। एंड यहाँ पे अगेन जैसे कैट एग्जाम में होता है कि आरसी पैसेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स से बहुत फ्लक्चुएशन देखने मिले हैं हमें। एंड आरसी पैसेजेस नॉर्मली 15-20 मार्क्स के आते थे इन वीआरसी। वीए पार्ट थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट होता था। देखते हैं कि लास्ट एग्जाम में क्या हुआ था, तो यहाँ पे जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लेट मी स्क्रॉल डाउन। ये इन जनरल सिलेबस है। अभी बात करते हैं कि डे वन पे क्या हुआ था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, नॉर्मल आपको आर्टिकल दिया है या फिर इन जनरल वर्ड से फिलअप करना है। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज, एक सिंगल पैसेज है, अंडरलाइंड वर्ड है, उसको रिप्लेस करना है दिए हुए ऑप्शन में से। जबल पैराग्राफ अगेन कॉमन, ऑड सेंटेंस आउट, आपको 3-4 सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें एक और एक एडिशनल सेंटेंस है जो मीनिंग नहीं बना रहा है या फिर वो पर्टिकुलर सीक्वेंस का है नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना है। सिनोनिम एंटोनिम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 27 मार्क्स के लिए आए थे, मोर देन हाफ ऑफ द पेपर ऑफ वीआरसी। सो टोटल वीआरसी के 50 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। डे टू में बात करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स से रिलेटेड भी आए थे, सिनोनिम एंटोनिम, देन एनालॉजीज, क्लोज टेस्ट, दिस इज कॉमन टॉपिक, वर्ड ऑफ अपोजिट जेंडर, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, सेंटेंस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन जो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है वर्बल एबिलिटी सेक्शन के सेम टॉपिक्स है। पहले क्या होता था कि ब्रॉड टॉपिक्स ही आते थे, अभी ना बहुत जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उसको भी कवरेज मिलता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉर्निंग स्लॉट वर्सेस आफ्टरनून स्लॉट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। फिल इन द ब्लैंक्स मॉर्निंग स्लॉट में कोई कुछ भी नहीं है तो, बट आफ्टरनून स्लॉट में है। एंड ऐसा नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स छोटा टॉपिक है, उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था कि 2 ब्लैंक्स दिए हैं, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि 2 कौन से वर्ड्स है जो फिट इन करते हैं, ये थोड़ा और डिफिकल्ट होता है। जंबल पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप यहाँ पे देख सकते हो, अगेन 20 मार्क्स के आसपास था डे टू। डे थ्री की बात करते हैं, 15-14, तो डे थ्री वॉज मोर ऑफ कि जैसे पहले नॉर्मल एग्जाम्स में होता था 14-15 मार्क्स के लिए आता है कि आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वैसे ही था। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे सिनोनिम एंटोनिम अलग लेवल का फुटेज मिला है मॉर्निंग एंड आफ्टरनून स्लॉट में। एनालॉजीज यस ठीक है, बट एनालॉजीज ऐसे कि आप सॉल्व कर सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मॉर्निंग स्लॉट में 10 क्वेश्चंस, आफ्टरनून में कुछ भी नहीं। सो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एंड स्लॉट वाइज। सो एक वो ट्रेंड होता है कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जब आपका स्लॉट चेंज होगा डे वाइज भी तो बहुत सारा वेरिएशन देखने मिलने वाला है। सो डोंट स्किप एनी टॉपिक। एंड ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, ऐसा नहीं कि आपके 10-12 घंटे जाने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को करने में। एंड नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट इन द मॉक टेस्ट। लेट मी स्क्रोल अप, सो नोट्स डाउनलोड कर लेना। एंड जो क्वांट का वीडियो है, लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो है, वो भी आराम से जाके चेक कर लो, बिकॉज उसमें ही सिमिलर डिस्कशन हुआ है कि आगे जाके क्या डायरेक्शन रखनी है। कैन नॉट इग्नोर आरसी पैसेजेस बिकॉज वेरिएशन होता है स्लॉट्स में, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, ये जो पैरा जम्बल, जो बाकी जितने भी टॉपिक्स है वीए के वर्बल एबिलिटी के, वो इजी टॉपिक्स है। सीईटी में एकदम हार्डकोर डिफिकल्टी नहीं रहती जैसे कैट में होती है, सो डूएबल है ना। सिर्फ आपको ये स्पॉट करना है एग्जाम में कि कितना टाइम जाएगा आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आरसी तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, बट वीए पार्ट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। और भी कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ऑन एमबीए स्पेशलाइजेशंस, एंट्रेंस एग्जाम नोट्स, एमबीए कॉलेजेस के डेडलाइंस, तो यहाँ पे मेन्यू में इंपॉर्टेंट टैब्स है, शॉप सेक्शन फॉर अपस्किलिंग योरसेल्फ, तो आराम से जाके चेक करो एंड शेयर द कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। और कौन से वीडियोज आने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।